हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस क्लास में हम लोग बाइनरी डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब हो गया है, ये लास्ट है बाइनरी डिवीजन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिमिलरली हम लोग दो नंबर ले लेते हैं जिसके बीच में डिवीजन होगा, दैट इज वन नंबर इज 1 0 1 0 1 0 और दूसरा नंबर क्या है 1 1 0। 1 1 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 1 1 0, ये है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2। ओके, सो 2 4 and 2 6। ओके, तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या है, दैट मीन 6 से हम लोग इसे डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसका हर एक डिजिट हम लोग कंसीडर करेंगे। पहला डिजिट क्या है 1, 1 क्या है 1 1 0 से छोटा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल। ओके, सो हम लोग यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो क्या है 1, और नेक्स्ट जो डिजिट है उसे हम लोग नीचे लाएंगे। ओके, सो 1 0, सो 1 0 भी ये जो 1 1 0 है इससे छोटा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल, सो हम लोग 0 इसे 0 यहाँ पे ऐड करेंगे। सो 1 0 अगेन, ये जो नेक्स्ट डिजिट है ये नीचे आ जाएगा, सो 101 का मतलब क्या है 101, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है 5, सो 5 इज 6 से छोटा है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल। ओके, सो दैट इज 0, सो 101, और ये जो 0 है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है 0, सो 1010 का मतलब क्या है 1010, दैट मीन्स ये है 2 to the power 3। ओके, सो 2 to the power 3 मीन्स 8 8 प्लस 2, दैट इज 10। ओके, सो 10 क्या है 6 से बड़ा है, दैट मीन्स ये दैट इज डिविजिबल। ओके, सो यहाँ पे हम लोग 1 देंगे 1, सो 1 1 0, और इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस का फिर ये जो नंबर है ये नीचे आएगा। सो डिफरेंस पहले हम लोग निकाल लेते हैं, 0 माइनस 0 दैट इज 0, 1 माइनस 1 दैट इज अगेन 0, सो 1 माइनस 0 माइनस 1 दैट मीन्स यहाँ से हम लोगों को बड़ो करना है, ठीक है, सो बड़ो करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, सो 2 माइनस 1 दैट इज 1, और इसमें यहाँ से हम लोग बड़ो कर चुके हैं तो ये क्या आएगा 0। ये जो सब्ट्रैक्शन का क्लास है ये एक बार फिर से देख लो, अगर ये डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम है तो वो देखोगे तो ये जो बाइनरी जो सब्ट्रैक्शन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या है 1 0 0, अगेन क्या होगा, ये जो 1 है ये नीचे आएगा, सो 1 0 0 1। ओके, 1 0 0 1 मतलब 1 0 0 1, दैट मीन्स दैट इज 2 to the power 3, ये क्या है 2 to the power 0, 2 to the power 1 एंड 2 to the power 2। ओके, सो 8 प्लस 1 दैट इज 9, 9 भी 6 से बड़ा है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग 1 से इसे करेंगे 1 1 0। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 1 माइनस 0 दैट इज 1, और यहाँ पे देखो 0 माइनस 1 आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, उसका जो अगला जो डिजिट है उससे हम लोग को बड़ो लेना है, ठीक है, पर यहाँ पे 0 है तो हम लोग कैसे बड़ो लेंगे, तो इसको समझने के लिए हम लोग ये जो डिविजन है ये अलग से यहाँ पे करते हैं। ये नंबर क्या है 1 0 0 1, और नीचे वाला नंबर क्या है 1 1 0। ओके, डिवीजन करना है, सॉरी सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख लेते हैं 1 into 2 to the power 0 1 2 3, 2 to the power 3 प्लस 0 into 2 to the power 2 प्लस 0 into 2 to the power 1 प्लस 1 into 2 to the power 0। ओके, नेक्स्ट क्या है 0 1 2, दैट मीन्स यहाँ से हम लोगों को लिखना है 1 into 2 to the power 2 प्लस 1 into 2 to the power 1 प्लस 0 into 2 to the power 0। ओके, तो ये तो ईजी आ गया 1 into 2 to the power 0, पर यहाँ से हम लोगों को देखना है कि हम लोग कैसे इसे सब्ट्रैक्ट करते। देखो यहाँ हम लोगों के पास बड़ो लेना है, यहाँ से हम लोगों को बड़ो लेना है, पर यहाँ पे बड़ो लेने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि 0 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ो लेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स 1 into 2 to the power 3 हम लोग बड़ो ले रहे हैं, ठीक है, सो 1 into 2 to the power 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 into 2 to the power 2। ओके, 2 into 2 to the power 2, क्योंकि ये जो कलम है इसका वेट क्या है 2 to the power 2, सो 2 into 2 to the power 2 इसके हिसाब से हम लोग लिखे हैं।
अब देखो ये जो बन गया 2 × 2^2 का कलम, यहां से हम लोग इस कलम में 2^1 कलम में एक कॉमन लेंगे, दैट मीन्स यहां से हम लोग बड़ो करेंगे, कॉमन लेने के सॉरी बड़ो करेंगे, सो 1 × 2^2 हम लोग कॉमन बड़ो किए हैं, सो 1 × 2^2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2^1 लिख सकते हैं। अब हम लोग जो डिविजन सॉरी जो माइनस है वो करेंगे, दैट मीन्स 2 × 2^2 माइनस 1 × 2^1 दैट इज 1 × 2^1। ओके अब यहाँ पे देखो एक हम लोग कॉमन ले चुके हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है 1 × 2^2 है, क्या बचा है 1 × 2^2, सो 1 × 2^2 माइनस 1 × 2^2 दैट इज 0 × 2^2 दैट इज नथिंग बट 0 × 2^2। ओके और यहां से कॉमन हम लोग ले चुके हैं पहले ही, बड़ो कर चुके हैं, सो यहाँ पे क्या है 0 × 2^3, सो यहाँ पे क्या होगा 0 × 2^3। ओके सो क्या है 0011, सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1100। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, ये जो है डिजिट ये इधर आ जाएगा, सो 110, तो 110 क्या है इसके इक्वल है, सो 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 110 और इसका जो रिमाइंडर है दैट इज 0। ओके दैट मीन्स ये बन गया इसका आंसर, सो आंसर इज 000011। ओके आंसर इज 000011। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो बाइनरी डिजिट के बीच में डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, मैं फिर से रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ, हर एक डिजिट को हम लोग को कंसीडर करना है और देखना है इस डिजिट से वो बड़ा है कि नहीं, अगर छोटा है तो हम लोग 0 यहाँ पे पुट करेंगे और जो अगला जो डिजिट है उसको नीचे लाएंगे, अगर इक्वल है या बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है उससे ये जो डिजिट है वो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके ऐसे करते करते हम लोग जाएंगे, जब हम लोगों के पास और डिजिट नहीं रहेगा तब हम लोग डिवीजन स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इजीली हम लोग डिवीजन जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। ओके सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।